आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ डीज एंड डोज का यूज कैसे कहाँ करते हैं हम। डीज और डोज का यूज कैसे करते हैं, जैसे दिस और दैट का यूज करते हैं। जैसे दिस और दैट जो पास की चीज़ें होती है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, और जो चीज़ें दूर होती है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। वैसे ही जो चीज़ें पास होती है उसके लिए दीज यूज करते हैं, और जो चीज़ें दूर होती है उसके लिए दोज यूज करते हैं। फ़र्क इतना ही होता है दिस और दीज में कि दिस जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है और दीज प्लूरल के लिए यूज होता है। दिस में सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज होता है सिंगुलर नंबर के लिए, और दीज प्लूरल नंबर के बहुवचन जो ज़्यादा संख्या में हो उसके लिए यूज होता है। इसी तरह दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है और दोज प्लूरल के लिए यूज होता है। तो चलिए देखते हैं, दीज आर कैट्स, मतलब जो हमारे जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास में हो तो उसके लिए हम बात करेंगे दीज आर कैट्स। दीज कैट्स आर ब्लैक। दीज आर फैंस, ये हम पास की वस्तु के लिए बात कर रहे हैं, पास की चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं हम, कोई भी चीज़ जो पास में हो और ज़्यादा संख्या में हो तो हम दीज का यूज करेंगे, और जो हमसे दूर हो उसके लिए हम दोज यूज करेंगे। जैसे दोज आर बॉक्सेस, बॉक्सेस जो दूर में हैं तो हम उसको किसी को बताएंगे तो दोज आर बॉक्सेस जो दूर में पड़ी है उन सब चीज़ों के लिए यूज करेंगे कि दोज आर बॉक्सेज, दोज बॉक्सेज आर बिग। ये किसी से जब बात करते हैं तब हम इस तरह से उसको दूर की चीज़ों के लिए दोज यूज करते हैं और पास की चीज़ों के लिए दीज यूज करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।